कहते हैं कि एक लक्ष्मी अपने घर में समृद्धि और सुख लाती है, लेकिन सिंधुताई जैसे देश की बेटियां पूरे भारत का नाम रोशन करती हैं। तो ये दिवाली ऐसी ही भारत की लक्ष्मियों के नाम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन भागीदारी की अहमियत को बखूबी समझते हैं। स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका जीता जागता उदाहरण है। पीएम मोदी ने देशवासियों से बेटियों के लिए एक और नए कार्यक्रम का आह्वान किया है। 29 सितंबर को मन की बात रेडियो कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत की लक्ष्मी नाम से एक कार्यक्रम के आयोजन की अपील की थी। क्या इस दिवाली पर भारत की इस लक्ष्मी के सम्मान के कार्यक्रम हम कर सकते हैं? पीएम मोदी की इस पहल का मकसद दिवाली से पहले देश भर की महिलाओं के सराहनीय कार्य को देश और दुनिया के सामने लाना, उन्हें सम्मान दिलाना है। इस कड़ी में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को भारत की लक्ष्मी का एम्बेसडर बनाया गया है। पीएम ने महिला सशक्तिकरण को लेकर इस नए अभियान का वीडियो भी साझा किया। पीएम ने ट्वीट किया, भारत की नारी शक्ति प्रतिभा एवं संकल्प दृढ़ता और समर्पण का प्रतीक है। हमारे संस्कारों ने हमें हमेशा महिला सशक्तिकरण के प्रयास करना सिखाया है। पीएम की इस पहल को दीपिका और सिंधु ने भी समर्थन दिया। दीपिका और सिंधु ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में इन दोनों आइकन्स को इस पहल के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है, जिसका मकसद देश भर में महिलाओं द्वारा किए गए प्रशंसनीय प्रेरित कार्यों को प्रकाश में लाना है। ढूंढिए अपने आसपास ऐसे ही होनहार कहानियां और शेयर करें सोशल मीडिया पर #भारतकीलक्ष्मी के साथ। हमारी संस्कृत में बेटियों को लक्ष्मी माना गया है, क्योंकि बेटी सौभाग्य और समृद्धि लाती हैं। हमारे बीच कई ऐसी बेटियां होंगी जो अपनी मेहनत और लगन से, टैलेंट से परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर रही होंगी। तो आइए हम सब मिलकर देश की नारियों का अभिनंदन कर पीएम मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान को सफल बनाते हैं।